तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिंदु सिंह सीरीज के 11वें एपिसोड में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने जाना कि कैसे नगौली की घटना के बाद बिंदु सिंह और नक्सलियों के बीच की अदावत बढ़ जाती है, रंजिश इतनी तेज हो जाती है कि बिंदु सिंह को फौज की नौकरी छोड़कर गांव वापस आना पड़ जाता है। आपसी मनमुटाव की वजह से नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई गैंग में फूट आ जाता है, जिसका परिणाम होता है उदय सिंह की हत्या। हत्या के आरोप में बिंदु सिंह जेल चले जाते हैं। 14 महीने बाद जब बिंदु जेल से वापस आते हैं, तब तक जहानाबाद का माहौल बदल चुका होता है। जहानाबाद के अधिकतर जगहों पर नक्सलियों का कब्जा हो जाता है। बिंदु जब जेल में ही होते हैं तो उनके मित्र उमेश्वर सिंह की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसका बदला लेने के लिए बिंदु प्रण ले लेते हैं कि पार्टी में रहने वाला चाहे कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन है। और आज से अदावत पार्टी और बिंदु के बीच में शुरू हो गई। निकलने के 10 दिन के भीतर ही बिंदु उमेश्वर सिंह के हत्यारे अर्जुन पाड़े को मारकर उनकी हत्या का बदला ले लेते हैं। उसके बाद जमुनवा मुसहर के नक्सलियों वाली बात पर उसकी पिटाई हो जाती है। और फिर यह लोग गांव में जो जो नक्सली बन बैठे थे उनको पकड़कर उठाकर ले आते हैं। मेन माओवादियों की पिटाई से पूरे नक्सल जगत में हाहाकार मच जाता है। नक्सली एकजुट होकर आकर जहानाबाद में अपना डेरा जमा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि बिंदु सिंह अब उनके ऊपर हावी होने लगा है और इसे मारना अब जरूरी हो गया है। अब आगे मथुरा यादव द्वारा गारंटी लेने के बाद उन 6 नक्सलियों को छोड़ दिया जाता है 200 रुपए देकर, ताकि वह अपना इलाज करा सके। धान आधा ही पिटाया था, आज बिंदु अपने खेत में मचान के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे उनके पिता भरत सिंह गांव वाले मजदूरों से चना और धान जो आधा पिटाया था वो सब ढोआ रहे हैं। बिंदु ऊपर अटारी पर बैठकर माथा में गमछी बांधे चूड़ा मीठा मक्खन लेकर मग्न है। राइफल साथ में है और चूड़ा फांक रहे हैं। गंजी और लुंगी पहन रखा है। तभी उधर से 4 लोग आते हैं। प्रणाम मालिक, कह रहे सुनते हैं कि तुम सब नक्सलाइट हो गया रहे। उस वक्त तक नक्सलाइट ही हुआ करते थे, नक्सलाइट ही बाद में माओवादी में तब्दील हो गए। जिना के कहल के हमनी जी गरीब आदमी ही, हमनी के हिसाब से जीना मतलब है तो धनवा उनवा पिटवाए ना। नक्सलियों ने उन्हें कहा होगा कि जाकर किसी तरीके से बुलाकर बिंदु और फेकन को ले आओ, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जीना हमनी गरीब आदमी ही, हमनी के हिसाब से जी मतलब ना है, ताड़ी ना पियाए। उस वक्त ताड़ी उतर रहा था। बिंदु सिंह ने कहा कि अरे ललिंद्रा, सब जितना ताड़ी पीता है सबको ताड़ी पिलाओ, तजी चना दिला दूं। तो बिंदु सिंह ने अपने पिता भरत सिंह से कहा कि दादा दू अंजुरी सबको चना दे दीजिए चखना के लिए। इतने में चना लेने के बाद उन 4 मजदूरों में से एक कहता है, धनवा उनवा पिटवाई ना। नक्सलियों ने इन्हें सिखाकर भेजा था कि किसी तरीके से बिंदु और फेकन सिंह को बहला फुसला कर मुसहरी तक ले आए। उनके पूछने पर कि जी ये सब कमवा करवाई ना, बिंदु ने जवाब दिया, तुम लोग ऊपर वाला सा है, हैं? काम तो करवा भी करेंगे बेटा, घबरा रहे हो काहे के लिए? तजी बिहने आओ ना, 4 भाई हमनी ही, 4 गो अपने के मजूरा है, अब सौसे मुसहरी अपने ही की न है जी, आओ बिहने। तजी बिहने आओ ना, 4 भाई हमनी ही, 4 गो अपने के मजदूरा है, आ सौसे मुसहरी अपने ही के है ना, आओ बिहने। मुसहरी, डोमटोली, चमरटोली इत्यादि बिहार के गांव में टोला मोहल्ला की तरह होते हैं। पुराने जमाने में जमींदार जहां पर गांव बसाया करते थे, वहां गांव के मुहाने पर या कहें शुरुआत में गांव और खेतों में काम करने के लिए अलग अलग भूमिहीन या खानाबदोश जातियों को लाकर जमीन दे उनको बसाया जाता था, जिसके बदले में उन्हें रहने के लिए एक स्थायी जगह मिल जाती और जमींदारों को उसके बदले में उनसे काम, काम के बदले उन मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलती, जिससे वो अपना गुजर बसर करते थे। विभिन्न जातियों को इसी प्रकार अलग अलग टोले में बसाया जाता था। सबका काम भी अलग अलग था। कुछ जमींदारों के लठैत बन के कार्य करते थे, जिन्हें आज के डेट में बॉडीगार्ड कहते हैं, कुछ बराहिल बनके, तो कुछ मजदूर का काम, कुछ चरवाहे का, तो कुछ
हरवाहे का। जहां जमींदार परिवार रहता था उस जगह को जवार कहते थे या फिर दरबार कहते थे। उन मजदूरों के बार बार सुबह आने की बात पर जोर देने पे बिंदु ने जवाब दिया, ठीक है जाओ नहीं आएंगे, राम जरूर ना, हम गए तो जानते हैं जो कैसे ऐसे करते हैं। उन लोगों को विश्वास हो गया, वह स्वस्थ होकर वहां से चल दिए कि बिंदु आएंगे जरूर। पश्चिम बारी घर में बिंदु सोए हुए थे और पूरब बारी घर में फेकन सिंह। सुबह उठते बिंदु फेकन से कहते हैं, भैया, जवाब मिला, हाँ तो चलिए ना। कहाँ? आदमी बुलाने। तो फेकन ने कहा, चल बाकी आता हूँ ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक पुरानी घटना सुनाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक इस घटना से मिलेगा। बिंदु ने मात्र 13 साल की उम्र में अपने एक कोयरी मित्र के लिए हत्या कर दी थी। जिसकी हत्या हुई वो एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था, जो उनके उस मित्र को और उसके परिवार को उनका जमीन हड़प कर तंग कर रहा था, जिस पर इन लोगों ने फेकन सिंह से मदद मांगी थी और उसमें बिंदु सिंह जबरदस्ती उम्र न होने के बावजूद शरीक होने की जिद करने लगे थे। अब इनके जिद की वजह से इन्हें फुसलाने के लिए फेकन सिंह और उनके मित्रों ने इन्हें एक 2 नाली भोतर बंदूक दे दी, यह सोचते हुए कि अभी छोटा है, इससे वैसे भी क्या होगा, लेकिन मन रखने के लिए गोली और वह बंदूक इनको देकर खलिहान के बाहर खड़ा कर दिया गया था। फेकन और उनके मित्र अपने हिफाजत के लिए एक एक कट्टा रख के खलिहान में काम कर रहे उस आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति के पास उसे समझाने की नीयत से जाते हैं, लेकिन बात करते ही अचानक से वह व्यक्ति अपने पास मौजूद खंती को उठा लेता है और उसके बाद उसके वार से बचने के लिए ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से एक भी गोली उसे लगती नहीं है। ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वो आदमी इन्हें दौड़ा रहा होता है। इसी बीच बाहर खड़े बिंदु सिंह के पास हाथ में जो एक खराब 2 नाली बंदूक था, बिंदु ने उसे फायर कर दिया। बिंदु के फायर करते ही निशाना सटीक उसके पैर में जाकर लगता है। इन लोगों की जान बच जाती है। ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वो आदमी जिस पर गोली चलती है वह हॉस्पिटल में पुलिस के सामने बयान देकर मर जाता है। बिंदु 13 साल की उम्र में ही जेल चले जाते हैं, लेकिन जुवेनाइल के सुधार गृह में रखकर उन्हें कुछ दिन बाद ही रिहा कर दिया जाता है। बिंदु के हाथ से वह पहली हत्या थी। अब आज जिस कोयरी मित्र के लिए बिंदु ने बचपन में वो हत्या कर दी थी, उसने इनके गांव में खबर न भिजवाकर मोकर गांव में बिंदु सिंह के खास व्यक्ति को यह खबर भिजवाते हैं कि दोनों भाई को कह दीजिएगा कि ज्यादा इधर उधर निकलेंगे नहीं, पार्टी वाला सब पूरे गांव को घेरे हुए है। उसने जिस आदमी से यह खबर भिजवाई थी उन्होंने अपने बेटे प्रियरंजन को कहा, वही प्रियरंजन जो उदय सिंह को मारने में था, कि जाकर बिंदु और फेकन को यह खबर पहुंचा दो। अब यहां पर एक और घटना का जिक्र आवश्यक होता जा रहा है, तो पहले उसे पूरा कर देता हूं। एक रात पहले किसी के यहां श्राद्ध था, इंजोरिया या कहें चांदनी रात थी। श्राद्ध खाकर बिंदु घर आए थे और अपने चाचा के साथ बैठकर आंगन में गप्पे कर रहे थे। सामान्यतः शाम में पश्चिम से पूरब की तरफ कौए या कोई भी चिड़िया आकाश मार्ग से घोंसले की ओर लौटती है, या कहें अपने अपने रैन बसेरे में वापस लौटते हैं। लेकिन उस रात ठीक 1 बजे झुंड बना के कौए पूरब से पश्चिम की तरफ कांव कांव करते हुए लौट रहे थे, या कहें जा रहे थे। बिंदु अपने चाचा से कहते हैं कि दादा, लगता है कुछ अशुभ होने वाला है, अपशगुन जैसा। जिस पर उनके चाचा ने कहा कि नहीं रे, लगता है अकाल पड़ेगा। बिंदु ने फिर उतना उस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात को जब बिंदु अपनी बड़ी पत्नी के साथ सो रहे थे तो वो उन्हें हिला कर उठाती हैं। बिंदु नींद से जागते हुए पूछते हैं, तो बहुत डर लग रहा है,
डर लग रहा है तो कि हाँ माधव चल बिंदु सिंह के बगल में सोया हुआ, जिसका बगल में बिंदु सिंह सोया हुआ उसको भी डर लग रहा है। तो डरे नहीं, बहुत रोने का मन, उसको आभास मिल रहा था बेचारे को, रोने का मन कर रहा और बैठ उठ उठ पहले बैठ कर पहले। अब बेचारे इनके डर से फिर से सो गए। सोते वक्त बोली कि सुबह जाइएगा ना आदमी बुलाने के लिए। असल में बिंदु के जो अपने पर्सनल मजदूर थे जिन्हें उनके बाप दादाओं ने बसाया था, उसमें से एक का नाम था रामचंद्र, और रामचंद्र की माँ से बिंदु सिंह की पत्नी को बहुत अच्छी दोस्ती थी, या कहें कि अच्छा पटता था उनसे। जब भी वो घर आ जाती तो उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए या फिर कुछ दिए बिना जाने नहीं देती थी। तो बिंदु सिंह की पत्नी ने उनसे कहा कि एक बात कहें। तो बिंदु ने पूछा क्या? तो सुबह जाइएगा ना रामचंद्रा को बुलाने के लिए। तो हाँ, तो खिसियाइएगा नहीं ना, ना। तो उसकी मैया को एक खस्सी खरीद कर दे दिए। बिंदु ने पूछा क्या रे, तुमको कोसिला करने का मन करता है तो ना। तो उसको खस्सी और एगो पाठी भी आया है, आप खस्सी एक उसके पास से लेते आइएगा। तो अच्छा ठीक है। बिंदु सिंह की पत्नी भी उन्हीं की तरह मीट मछली की खूब शौकीन थी। सुबह जब बिंदु और फेकन निकलते हैं, आगे आगे फेकन सिंह हैं और पीछे से बिंदु, ज्यों ही अपने घर से बाहर चौखट के एक कदम आगे रखते हैं कि उधर से प्रियरंजन दौड़ते हुए आते हैं और इन्हें टोक देते हैं, ये कहते हुए कि कहाँ जाई थे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो आप लोग। उम्र में प्रियरंजन बिंदु से बड़े थे। बिंदु ने कहा कि जाई थी बिजौड़ा, बिजौड़ा जा रहे हैं। उनको कहना चाहिए था कि बाबूजी भेजे हैं, ऐसा ऐसा बात है, लेकिन खखन में वो कहते क्या है कि वाऊ रिफलवा है ना। बिंदु ने कहा तो ओकरा पर तेरे भर को लिए ही हो, तो जो बेरैनी वाली से मांग लेगा। बेरैनी वाली से यहाँ मतलब बिंदु सिंह की पत्नी से है। आज के नए युग में लोग पत्नी या पति का नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में या शास्त्रों में पत्नी का या पति का नाम लेकर बुलाना गलत माना गया है। तो लोग पहले फलनवा की माँ या फिर उनके गांव के नाम लेकर बुलाते थे। बिंदु सिंह की पत्नी बेरैनी की थी, इसलिए उन्हें बेरैनी वाली कहकर बुलाते थे। राइफल उनकी पत्नी ने प्रियंजन को दे दिया। बिंदु और फेकन बिजौड़ा मजदूरों को बुलाने निकल जाते हैं। आगे आगे बिंदु हैं और पीछे पीछे फेकन सिंह, और उनके पीछे हैं प्रियरंजन। जो बेलदार कल इन लोगों को बुलाने गया था, जब बिंदु माथा में मुरेठा बांधे मचान पर बैठे हुए थे और कटोरा में चूड़ा मीठा और मक्खन फाँक रहे थे, उसका दरवाजा दो पल्ला सटा हुआ है। उस घर में 50 आदमी बैठे हुए हैं। बिंदु इस बात से अनजान है और वो बेलदार फावड़ा से मट्टी खोद रहा है। इन दोनों भाइयों को देखते कहता है कि जाई था उन्हें बुलावे ना। बिंदु ने कहा हाँ। फिर राइफल बंदूक सब देखते ही तो भागा भागी करते ही, एकरा रख के जाएं, मतलब कि जा रहे हैं बुलाने ना उन मजदूरों को। फिर वो लोग राइफल बंदूक आपके हाथ में देखेंगे आप लोगों के, तो भागा भागी शुरू कर देंगे, इसको यहाँ रख के जाइए। तो जानते ना भगवान के मंदिर से बिंदु से जाता था, क्या नहीं सोचता है। ये कहते हुए बिंदु उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बाप के एक ही बेटा थे मथुरा यादव, वही मथुरा यादव जिन्होंने उन 6 माओवादियों को छुड़वा दिया था, ये कहते हुए कि काम का गारंटी हम लेते हैं, इन लोगों को छोड़ दीजिए। वो डीसीएम का लुंगी और डीसीएम का तौलिया कंधा पर रखे हुए उधर से आ रहे हैं। डीसीएम एक अच्छा और बड़ा ब्रांड हुआ करता था, आज भी है, लेकिन अब डीसीएम बहुत से भागों में बंटकर अपने मार्केट का विस्तार कर चुकी है और कपड़े के अलावा बहुत कुछ का निर्माण करती है। ज्यों ही उत्तर की तरफ बिंदु बढ़ते हैं कि उधर से मथुरा यादव आते हुए नजर आते हैं। बिंदु उनको देखते ही कहते हैं कहाँ हो मथुरा, कलर के काम होते जिमा ले रहा है लो, आज 5 दिन फिन हो गए लो। तो कहता है
जाए सर जान नहीं, जा, तो मथुरा कहते हैं कि जाई था जाना, उनके कहने का मतलब था कि जाइए ना, भेंट हो जाएगा आजकल से। बिंदु ने जवाब दिया, हम तो जाते ही हो, परिणाम बहुत बुरा होगा मथुरा। ये कहते हुए बिंदु आगे बढ़ गया। सुमतिया मुसहरनी थी लेकिन बुजुर्ग थी, तो बिंदु उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते थे। गए हैं तो देख रहे हैं कि बिंदु के जो आदमी हैं रामचंद्र, वो और चारों आदमी मिलकर खटोली बांध रहे हैं। खटिया में पहले खटोली बंधाता था रोगी या और कोई किसी को ले जाने के लिए। पैसा कमाने के लिए लोग खटोली बांधते थे। पहले रोड की सुविधा नहीं होती थी, तो औरतों या फिर रोगियों को गांव के बाहर रोड तक पहुंचाने के लिए लोग इसका प्रयोग करते थे, और इसके उपयोग के बाद उसके बदले में लोग उन्हें पैसा देते थे। उसकी मां जो है वो दरवाजे पर बैठे हुए है, मुंह उसका काला पड़ा हुआ है। बिंदु ने उन चारों मजदूरों से कहा कि क्या जी, तुम लोग आज खाली खटोलिए बांधोगे? तो जी चली ना चली। उन लोगों ने खटोली बांधना तत्काल छोड़ दिया। तो आगे चलो ना, कहते हुए बिंदु रामचंद्र के घर की तरफ बढ़ते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि अरे रामचंद्रा के मैया, बेरैनी वाली का तुमको एक बकरी दिया है, तने दिखाओ तो खसिया कैसा है। कहते हुए एक पैर उसके आंगन में रखते हैं कि उठकर वो बिंदु को धक्का दे देती है। उसका धक्का देना और बिंदु के शरीर का जितना रोआ था वो सब खड़ा हो गया। बिंदु को क्या लगा कि इसके घर में आदमी है और इसके आंगन में जा रहे हैं, तो इस डर से वो हमको धक्का दे दी है कि कहीं जान जाएंगे कि पार्टी के लोगों को छुपा के रखे हुए हैं। आंख में आंख दोनों भाइयों का मिला और इशारा हुआ वहां से निकलने का। अब आगे आगे चारों मजदूर हैं, पीछे फेकन सिंह, उसके पीछे प्रियरंजन और सबसे पीछे बिंदु सिंह। हर समय बिंदु आगे चलते थे लेकिन उस दिन सबसे पीछे बिंदु थे। भाग्य यही था कि जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे वो रास्ता लगभग 20 फीट चौड़ा था। 50 कदम आगे बढ़े हैं तो रामचंद्रा की मां हल्ला करती है, आइए बाबू। पीछे देखते हैं तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वर्दी पहने हुए, राइफल लिए रीलिंग पोजीशन में कम से कम 400 आदमी दौड़ते हुए आ रहे हैं, कुछ खेतों के तरफ से, कुछ चौर के तरफ से, कुछ पैन में से। पता नहीं आकर सटा देता या क्या करता, भगवान जाने। लेकिन जब बिंदु पीछे घूमते हैं तो वो लोग 100 गज की दूरी पर थे। अगर रामचंद्रा की मैया हल्ला नहीं करती तो क्या होता, भगवान ही जाने। वो लोग तो दौड़ते हुए आ रहे थे, राइफल पोजीशन में किए हुए। तीनों आदमी छोर पर एक दूसरे में अपना पैर सटा दिए और तीनों का मुंह तीन तरफ, और फिर गोली चलने लगी। इन लोगों ने अभी तक एक भी फायर नहीं किया है। नक्सलियों को जब लगा कि अब घेर लिए हैं, तब नक्सली माइक से अनाउंस करते हैं, बिंदु सिंह सरेंडर कर दो, तुम लोग हमारे घेरे में हो। अब इधर से भी जवाब सवाल शुरू हुआ। बहन चोद माधक सुने सुना समझ ले रहे, बहन चोद सोने को तो खोजे तो ले रहे, बहन चोद अरमान मिटा ले, चल गोली कितना। आधा घंटा ये लोग गोली वहां से चलाए हैं, तब बिंदु फेकन सिंह को कहते हैं कि भैया अब थोड़ा गांव की तरफ बढ़ा जाए। वहीं पर एक पैन था, उस पैन में ये लोग पोजीशन ले लेते हैं। किसी तरह पीछे हटते हटते ये लोग पैन में एंटर कर जाते हैं। पैन में गड्ढा छाती भर था, या कहें कि पैन में गड्ढा भर छाती था। पोजीशन तगड़ा मिल गया। अब प्रियरंजन को कहें, पैन टपाने के लिए बीच में पैन को बांधा जाता है, खेत में पानी टपाने के लिए उसको गंडी कहते हैं। बिंदु ने कहा, रे प्रियरंजन तू गंडी के पास गांव के तरफ मुंह करके खड़ा हो जा, पर फायर एक भी मत करना। गोली चलने लगा। एक महुआ का पेड़ था, वो सब वहीं पर आ गए। खेत में पानी टपाने के लिए पैन को बांधा जाता है, उसको गंडी कहते हैं।
बिंदु ने कहा, अरे प्रियरंजन, तू गंडी के पास जाकर गांव के तरफ मुंह करके खड़ा हो जा, पर फायर एक को मत करना। गोली चलने लगा। एक महुआ का पेड़ था, वो सब वहीं पर आ गया। फेकन सिंह मारे तो गोली सीधे जाके एक के सीने में जाकर लगा, और नीचे जो पोजीशन में था वो ऊपर चला गया। गोली लगने के बाद उठाकर उसको ऊपर फेंक दिया। SLR लिए हुए था। बिंदु ने कहा कि भैया फायर कीजिए, राइफल हम लेंगे। फायर करने लगे फेकन सिंह, और बिंदु क्रॉलिंग करके सटने लगे। जब 25 गज और बच गया था तो खपड़ी में जैसे लावा भुंजाता है ना, ठीक वैसे ही माओवादी फायर झोंकना शुरू कर दिए बिंदु सिंह के ऊपर। फेकन ने आवाज़ दिया, बिंदु मारे जाओगे, हट पीछे हट। बिंदु सिंह को भी लगा कि काम नहीं होगा, तो वो भी वापस पोजीशन पर लौट आए। तब तक 9 बज गया। तब तक गांव में जो रामचंद्र के घर में जो 50 माओवादी बैठे हुए थे, पता नहीं गोली गिन रहे थे कि क्या कर रहे थे, वो लोग एक ही बार सब निकले। उनका निकलना कि माउजर से एक ही बार फेकन सिंह ने लगातार मारा 3 राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि माउजर का आवाज तगड़ा होता है, वो लोग अगर पैन से ऊपर चढ़ जाते तो इन लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन वो लोग पैन के ऊपर नहीं चढ़ पाए फेकन सिंह के कारण। माउजर की आवाज ने उन्हें रोक दिया था। जब फायर इन्होंने किया तो बिंदु पीछे देखे, तो वो देखते क्या हैं कि ये लोग तो गांव से माओवादी निकल गए। बिंदु ने चकाते हुए आवाज दिया, भैया भैया भैया, कहाँ हो, इन्हें से निकल गए लो। अब दोनों गांव से निकले माओवादियों की तरफ मुड़ जाते हैं। गोली इन दोनों में चलने लगी। वो लोग जब गोली मारे तो गोली इस तरफ आकर गिरती थी जिधर बिंदु और फेकन का पीठ था। इन लोगों को लगता था कि बिंदु और फेकन सिंह वाला गोली इन लोगों की तरफ आकर गिर रहा है, जबकि इन लोगों की तरफ पीठ है। अगर ये लोग उस वक्त अटैक कर देते तो दोनों भाई मारे जाते। पूरा गांव वहां स्थित एक बगीचे में जुट गया है। उस बगीचे में ये मंजर साफ नजर आ रहा है। वहीं महादेव जी का एक मंदिर है। औरत, बूढ़ा, बच्चा, मर्द हाथ जोड़े महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, या महादेव जी या शंकर जी, जिसको जो बुझा रहा है। लोग वहां भगवान से याचना कर रहे हैं कि किसी तरीके इन दोनों बच्चों को बचा लीजिए। घूम कर पैन में जब कूदे हैं तो फेकन सिंह कह रहे हैं कि हम चढ़ेंगे, और बिंदु कह रहे हैं कि हम चढ़ेंगे। 2 मिनट का बस लेट हुआ है कि गांव वालों को लगा कि दोनों भाई मारे गए। सभी चित्कार पार के गांव वाले रोते चिल्लाते गांव की तरफ भागे। दोनों भाई ऊपर चढ़ गए। फेकन सिंह ने बिंदु से कहा, बिंदु तो हाँ, इसको प्रियरंजन को भगा दो, इसके चलते हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रियरंजन नया लड़का थे तो इन लोगों को उनकी चिंता ज्यादा हो रही थी, और ये बात दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था। बिंदु ने कहा, प्रियरंजन, प्रियरंजन ने जवाब दिया, हाँ भाई, तुम भाग जा गांव पर। प्रियरंजन बोले, ना गोली लग जाए। बिंदु ने समझाते हुए कहा कि तुम जितना कैपेसिटी होगा उतना तेजी से दौड़ना, जब बोलेंगे तब। बिंदु ने अपना SLR लोड किया और लगातार फायर करने लगे। प्रियरंजन को इंडिकेशन मिला और वो दौड़े। दोनों भाई पैन से ऊपर आ चुके और प्रियरंजन गांव के अंदर। लड़ाई के दौरान दुश्मन का एक्टिविटी का पता चलता है कि क्या करेगा। एक पोजीशन बचा हुआ था। बिंदु ने फेकन से कहा, भैया तो हाँ, पोजीशन धरिए, नहीं तो धर लेगा। उस पोजीशन को पकड़ने के लिए फेकन सिंह भी चल दिए, और उसी पोजीशन को पकड़ने उसमें से एक नक्सली भी चल दिया, जबकि बाकी फायर झोंक रहे थे। ये दोनों भाई जब पोजीशन पकड़ते हैं तो बहुत तेजी से दौड़ के पकड़ते हैं, और अगर दूर होता है तो क्रॉल करके। एक ही पोजीशन को पकड़ने के लिए दोनों चल दिए, लेकिन फेकन सिंह ने पोजीशन ले लिया। 25 गज पहले वो नक्सली रुक गया आकर। बूट का खेत जोता हुआ है,
जेठ बैसाख का महीना है। पीठ पर पिट्ठू बैग लिए हुए है, जैसा आर्मी वाले लोग पीठ पर बांधे रहते हैं। राइफल सामने की तरफ किए हुए है और टुकुर टुकुर फेकन सिंह की तरफ देख रहा है, कोई हरकत नहीं कर रहा। फेकन सिंह कहते हैं, थोड़ा बचे दे बुरे। फेकन सिंह चाहे कि मारे और उन्होंने गोली चलाई। गोली सिर के एक बित्ता पहले जाकर गिरा, जमीन पर आकर लगा, सारा मिट्टी जमीन का उठाकर उसके ऊपर उलट दिया। तब तक वो चाहा कि इस तरफ से उस तरफ हो जाए, और उतने में फेकन सिंह ने फिर से गोली चलाई और इस बार उसे लग गया। लगातार दो गोली, वहीं पर वो ढेर हो गया। अब इधर बिंदु के मन में फिर से राइफल का लोभ। फेकन सिंह ने इशारे में बिंदु से पूछा, कितना गोली बचा है? बिंदु क्रॉसिन बेल्ट रखे हुए थे, जब बेल्ट घुमाते हैं तो देखते हैं कि मात्र 13 राउंड गोली बचा है। ऊपर का पूरा बेल्ट खाली हो चुका और नीचे मात्र 13 राउंड गोली बच रहा है। बिंदु ने उसी तरह इशारे में फेकन सिंह से पूछा, आपके पास कितना? फेकन ने बताया, 17। बिंदु ने कहा, चलिए घर। ये लोग गांव के नजदीक पहुंच चुके थे। गोली चलाते हुए ये लोग पीछे हटते जा रहे थे। फेकन जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फेकन सिंह थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी थे। अब इनके पास ना तो गोली ज्यादा बची थी और ना आदमी था, तो ऐसे में लड़ना और ज्यादा देर मुश्किल हो रहा था। फेकन की जिद पर जैसे ही बिंदु ने डांटा तो दोनों भाई दौड़ते हुए बगीचे में और फिर बगीचे से घर में घुस गए। बिंदु सिंह फेकन सिंह के पिताजी थोड़े तपाकी किस्म के थे, आप लोगों को इससे पहले भी रूबरू करा चुका हूं। भरत सिंह ने इनसे कहा, बैठो गलो ना, कहा ना हाली रहे कि झोला में गोली लेके चल, हैं? तनी छतवा पर चढ़ के देख। जब छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ से पूरे गांव को नक्सलियों ने घेर रखा है। भरत सिंह बोले, कह रहे साला कुछ खा ले, सुबह से भूखे लड़ रहा है दोनों, साला कुछ खा ले। अब क्या करोगे? समस्या मिला जुला कर 30-40 रन गोले है मेरे पास, 1 किलोमीटर में लाख घेरे हुए था, तो झाट नहीं उखाड़ा तो घर वाले को क्या करेगा? 40 दिन का मर्डर हो सर, हमारे परिवार के हमारा मर्डर होगा, कहीं कुछ खा ले। अब क्या करोगे? बिंदु ने जवाब दिया, इस सब मिला के अभी भी 30-40 राउंड गोली है मेरे पास, 1 किलोमीटर में लॉट घिरे हुए था, तब तो झाट नहीं उखाड़ सका, तो अब घरवा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अभी 40 गोली है तो उन लोग में से 40 गो आदमी का मर्डर होगा, तब ना मेरे यहाँ या मेरे परिवार का मर्डर होगा। बाबूजी बोले, ये कुछ खा ले। बहन मक्खन लेकर ऊपर आई। अब बिंदु तो मक्खन के पहले से ही शौकीन थे। तब तक माओवादी गांव के पीछे एक अहरा है, उसी में जाकर बैठ गए। उन्हें पता था कि बिंदु का गैंग इस तरफ से जरूर आएगा। 5 लोग और एक कौशल सिंह दौड़ते हुए दौलतपुर आ रहे थे, इस सब बात से अनजान कि नक्सली वहां अहरा में छुपे बैठे हैं। ज्यों ही माखन मुंह में डालते हैं कि 100 राउंड गोली चलने की आवाज आती है। मक्खन तो साला अपने आप अंदर चला गया। इन लोगों को पता लग गया कि लगता है कौशल भैया लोग आ रहे हैं और सब घेर लिया है, लेकिन गोली नहीं है, निकले कैसे गांव से? फिर भी दोस्ती का ममता, उतना ही गोली लेकर ये लोग दोनों भाई निकल गए। बाहर एक किरीन था, जिसमें मशीन वगैरह रखा जाता है। उस किरीन के हॉल में फेकन सिंह और वहीं पर एक हाद है, उस हौद जिस हौद में पानी गिरता था उसमें बिंदु सिंह पोजीशन ले लिए। अब निशानेबाजी चल रहा है क्योंकि गोली है नहीं, फायर नहीं हो रहा। तब तक इन लोगों को यह नहीं पता था कि इनके 3 लोगों को मार दिया गया है। बच गए कौशल सिंह, चनेसर बाबू और विनय सिंह, पुलिस के जवान थे अजय सिंह। गलती किए ये लोग, वहीं पर एक पैन था, ये लोग को पैन पर पोजीशन पकड़ना था,
लेकिन लोगों ने पैन टप कर उसके बाद पोजीशन पकड़ा। वो लोग फायरिंग देता रहा तब तक वो लोग कियारी पकड़कर धीरे धीरे इन लोगों के नजदीक आकर सट गया। ये लोग घबरा गए, इन लोगों को वहां से उठना नहीं चाहिए था, कोई लाठी थोड़ी है कि मार दिए उठाकर। वहीं एक महुआ का पेड़ था और एक केबिन था जो गिरा हुआ था, थोड़ा सा ऊंचा था। उन लोगों ने सोचा कि उठ के और वहां पोजीशन ले लेते हैं। ये लोग अभी उठे ही थे कि मारा नक्सलियों ने, टक टक दोनों वहीं पर गिर गए। बिंदु और फेकन पोजीशन लिए देख रहे थे। जा 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 जा, मार दिया, अनायास ही उनके मुंह से निकला। आइए सुनते हैं वो व्याख्या खुद बिंदु सिंह कैसे बताते हैं इसे। क्या करें, दोस्ती की ममता उसने गोली लेकर निकल गया। दोनों भाई, मशीन उसी रखा जाता है। हाँ। तो किनों ने हॉल था। हाँ। हॉल गोली निशानेबाजी हो रहा है, फायर नहीं हो रहा है। हॉल में हम बैठे हैं, यहाँ पानी गिरता है। हम लोग नहीं जान रहे थे कि तीन आदमी को मार दिया वो लोग, हमारे आदमी को। गलती किए थे लोग थोड़ा। हाँ। तीन आदमी को मरा गया, बचे कौशल भैया, चनेश्वर बाबू और विनय। पुलिस ए गए, पुलिस के जवान। तो मान लो कि ऐसे और ऐसे पैन है। हाँ। तो पोजीशन यहाँ धरेंगे ना। हाँ। तब करके यहाँ पोजीशन धरा। हाँ। लोग फायरिंग देते रहा, वो लोग अरिया धर करके, अरी धर करके। हाँ। ऐसे होते होते यहाँ को यहाँ सट गया। हाँ। लोग घबरा गए। हाँ। बहुत ज्यादा ना था वो सब, बहुत संख्या में ज्यादा ना था। हाँ। तो वहां सोचना नहीं चाहिए था। हाँ। मार देगा। हाँ। तो सोचे ना तो मर ही देगा। तो महुआ का पेड़ था, केविन गिरा हुआ था, ऊंचा था। ये लोग सोचे ना, उठ करके वहां पर पोजीशन धरे। दोनों गिर गया। तो गिरा जा 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 जा, ऑटोमेटिक हम लोग महुआ से आवाज निकला कि जा 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 जा, मार दिया। हम लोग कान के सामने दो ही मर्डर हुआ है, लेकिन तीन को तो पहले ही मारे हुए है, कौशल भी अपने गोली लगा हुआ है। कहा कहे वो लोग बहन चुद राइफल लेने के लिए उठा, पांच को मार दिए बहन चुद के। हाँ भाई, जरा मैं दो गो की गोली लगा था, तीन गो स्पॉट डेथ हुआ था, दो गो तो पांच गो, दो गो सात गो। कहा कहे हो, जब वहां पर पहुंचते हैं और लोग पोजीशन छोड़ करके अपन लाश लेकर के जाने लगा। हाँ, जब उसके पर पहुंचते हैं तो मेरे हाथ में सिर्फ राइफल है, गोली भी गोली नहीं। कौशल भैया के पास अभी भी 37 बार गोली बच रहा है। तुमसे लिए गोली उनका से ले लिए, फिर पोजीशन फट चुका था। कौशल सिंह थोड़ा हिस्ट पुष्ट व्यक्ति थे, धोती और सैंडो गंजी पहने हुए हैं। गोली इनके बांह और सीने को फाड़ते हुए पार कर गई है। तब तक गांव के दो लड़के और आ गए थे। बिंदु सिंह ने फेकन सिंह और उन लड़कों को कहा कि कौशल भैया को घर ले जाओ, इनका उपचार जरूरी है। अभी ये पोजीशन पकड़े ही हैं कि देखते हैं पश्चिम तरफ से बाला शर्मा दरोगा, जिनके यहाँ इन लोगों को शादी में जाना था जिस दिन अर्जुन पाड़े की हत्या हुई थी, 6 फोर्स के साथ आ रहे हैं भगवानगंज थाना से। भगवानगंज थाना के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वो बिहार का सबसे खतरनाक थाना माना जाता है। नदौना गांव के बगल में स्थित ये थाना चारों तरफ से माओवादियों से घिरा हुआ है। हर थाना माओवादियों द्वारा लूट लिया जाता था, लेकिन ये थाना कभी नहीं लुटाएगा, इतना फोर्स रहता है वहां पर तैनात। उस समय 6 ही फोर्स रहता था, क्योंकि माओवादी उस समय पूरी तरीके से जहानाबाद में एंटर नहीं किया था। बिंदु ने देखा कि आहा, बाला शर्मा आ गए, थोड़ा हिम्मत बढ़ा। तब तक तो सब लाश गिर चुका था। बाला शर्मा बिंदु को देखते ही बोलते हैं, बिंदु बिंदु क्या हुआ? बाला शर्मा आ गए, तो हिम्मत बढ़ा। तब तक तो सब लाश गिरा हुआ है। बिंदु बिंदु हम कह लो सब मरा गए, कौशल भी हो इतना बचे थे, तो फिर काम हमको भी बच रहे हैं। हम क्यों ही ना भैया, वो सब अपना अपना लाश लेकर के जा रहा है, टांग कर खींच करके बड़े हम लोग उधर लेके जा रहा है। हाँ, लाश नहीं मारा उसको, और जो लेके जा दूर था ना बाबू, दूर निकल गया था ना। हाँ। हम अकेले थे, फोर्स आने में टाइम लगा ना। हाँ। तो चलिए भैया। हाँ। बड़े हैं, एक के तो सब रेफर घुमा कर मारा ना,
पीछे घूम के देखते हैं तो फोस्ट भाग के हमारे गांव में हेले हेले अकेले है। आप अकेले लगे? हाँ, मैं बाला शर्मा। बिंदु आगे बढ़ना ठीक नहीं है, देखो फोर्स वाला भाग गया। बाला शर्मा बिंदु को देखते पूछते हैं, बिंदु 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 मायूस होकर बोलते हैं, हाँ भैया सब मारे गए। कौशल भी तो ना अफेकन हो तो वो भी बच रहे हैं, तो चलिए ना भैया। तब तक नक्सली खींचते हुए अपने साथियों की लाशों को ले जा रहे हैं। बिंदु और बाला शर्मा को लेकर ज्यों ही आगे उनके पीछे बढ़ते हैं, नक्सलियों ने एक ही बार में सब राइफल घुमा के मारा कि पीछे घूम के बिंदु देखते हैं तो सब फोर्स भाग के गांव में पहुंचे पहुंचे किए हुए हैं। अब यहां सिर्फ दो लोग अकेले खड़े हैं, बिंदु और बाला शर्मा। बाला शर्मा कहते हैं, बिंदु आगे बढ़ना ठीक नहीं है, देखो फोर्स सब साला भाग गया। कांग्रेस का राज था, फोन का जमाना था नहीं उस वक्त, कोई पासवान एक एसपी थे जहानाबाद के, 1 बजे वो सब पहुंचे। अब इधर जहानाबाद एसपी, गया एसपी, कानो कान सब जगह हल्ला हो गया। कांग्रेस का राज था, सब फॉरवर्ड ही विधायक मंत्री थे, सबके सब दौलतपुर पहुंचे जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली। वो समय आज के समय की इन नेताओं की तरह नहीं था कि किसी घटना के घट जाने पर उनसे आग्रह करना पड़ता है और तब भी वो आना तो छोड़ दीजिए, उस घटना पर बोलने से भी कतराते हैं। सारे मंत्री विधायक जगदीश शर्मा से लेकर के रामजतन सिन्हा तक, तीनों एसपी सब वहां पहुंच गए। बिंदु सिंह कौशल सिंह को लेकर घर चले आए। दोनों भाई और कौशल सिंह अर्जुन पाड़े के मर्डर में उस वक्त फरार चल रहे थे। जहां पर घटना घटी थी वहां पर एक बर का पेड़ और एक महुआ का पेड़ था, बीच में घटना घटी थी। भरत सिंह का वहीं पर लिया गया एक फोटो, खाली बदन, जनेऊ पहने हुए, उजला मूछ रखे, धोती पहने और स्पॉट का फोटो रविवार पत्रिका में छपा। उसमें इन दोनों भाइयों की बहादुरी का पूरा किस्सा छपा था। उस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक में से एक था। उसी वक्त वो गाना छपा था, नक्सल घिर ले चारों ओर, गोलियां चल ही बहुते जोर। निहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बने। अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बने। नक्सल घेर ले चारों ओर, गोलियां चल ही बहुते जोर। नक्सल घेर ले चारों ओर, गोलियां चल ही बहुते जोर। कितनन मारल गैलन, कितनन मारल गैलन, ठीक दुपहरिया हो जवान खालिस्तान न बनी। अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बनी। अरे बिंदु कैले रहे ऐलान, ये हिमाचल हेन के करो शान। फेकन कैले रहे ऐलान, ये हिमाचल हेन के करो शान। कितनन मारल जाइब, कितनन मारल जाइब, ठीक दूप हरिया हो जवान खालिस्तान न बनी। भूमिहार बिरन के खान हो, अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बनी। एसपी द्वारा भरत सिंह से बहुत आग्रह करने पर भरत सिंह ने कहा, अच्छा देखते हैं सर कहाँ है नहीं है। बिंदु और फेकन सिंह वहां के सबसे बड़े आदमी विश्वनाथ सिंह के घर के छत पर हैं। उनका छत गांव में सबसे ऊंचा था। ये वही विश्वनाथ सिंह हैं जिन्होंने नगौली की घटना के समय अपना हथियार फेकन सिंह को देने से मना कर दिया था और जिसकी वजह से बिंदु सिंह को अकेले नगौली में लड़ना पड़ा था नक्सलियों से। दोनों भाई विश्वनाथ सिंह के छत पर एक सुराख में से सब कुछ देख रहे हैं। उन लोगों ने भरत सिंह को अपने पास आते देख उनसे पूछा, क्या हुआ दादा? भरत सिंह इनके पास आकर बोलते हैं कि ये हो सो सरेंडर करने के लिए कह रहा है। उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करूंगा दादा। तो क्या करेंगे बोलो, क्या कहेंगे जाकर?
तो कह दीजिए कि कह रहा है कि नहीं करेंगे सरेंडर किसी कीमत पर। भरत सिंह जाकर एसपी साहब को कहते हैं कि जी कही थे कि न सरेंडर करत। एसपी ने भरत सिंह को समझाते हुए कहा कि देखिए भरत बाबू, मारा जाएगा, कमजोर हो चुका है, लेकिन इसका कहाँ असर पड़ने वाला था। इन लोगों का भी सारा शरीर बर्बाद हो चुका था चोट लगने से, घुटना, केहुनी सब फूट गया था, तोड़ते गिरते फांते। एसपी ने भरत सिंह से कहा कि एक काम कीजिए, जाकर उन लोगों से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। भरत सिंह फिर इनके पास आए, अब क्या हुआ, तो सो मिलना चाहता है तो जाकर कहिए, अकेले आए मिलना चाहता है तो। एसपी अकेले आए, अब प्रेस रिपोर्टर तो मानते नहीं है, तो पीछे पीछे दो प्रेस रिपोर्टर और एक बॉडीगार्ड चले आ रहे हैं। वहां से ये लोग चले आए अपने घर पर। आंगन में खटिया पर कौशल सिंह को लिटाया हुआ है। गांव के लोग जिस डॉक्टर को लेकर आए थे वो डॉक्टर इलाज कर रहा है। भरत सिंह दरवाजा खटखटाकर बोलते हैं, बाबू खोलो दरवाजा। बिंदु सिंह ने बहन से कहा, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुला, एसपी अंदर प्रवेश करते हैं, दंड प्रणाम हुआ, कुर्सी दिया गया बैठने के लिए। एसपी बोले, बिंदु सिंह। तो जी सर, सरेंडर कर दो बिंदु सिंह। बिंदु ने कहा, नहीं सर, किसी कीमत पर नहीं करूंगा, मेरे गांव परिवार का रक्षा कौन करेगा सर, आप लिखित में दीजिए कि हाँ सुरक्षा दे दूंगा, यहां ऐसे कर दूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, आप लिखित में जिम्मेवारी लीजिए। एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब होता तब तो, पुलिस जानती थी और आज भी जानती है कि वो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, खासकर माओवादियों से तो वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, आम नागरिक की कहां से करेंगे। एसपी ने कहा, तो इसको कम से कम दे दो। कौशल सिंह के बारे में, तो हाँ इनको ले जाइए, इलाज भी जरूरी है। कौशल सिंह को एसपी अपने साथ लेकर चले गए और गांव में 104 सीआरपीएफ का फोर्स दे दिया चारों कोने पर। अब सीआरपीएफ थोड़ा अगर स्थानीय भाषा में कहें तो बुरचोंधर किस्म के होते हैं। चारों कोना पर एलएमजी लगा दिया। अब ये लोग भी सुबह लैट्रिन के लिए निकले हथियार लेकर, तो इन लोगों को भी रपेट दें। स्थिति ऐसा हो गया था कि सीधे बैठ नहीं पाते थे चुके मुके, इतना खराब था स्थिति। इतना गोली चला था उस दिन दौलतपुर में कि जानवर सांझ के सांझ अपना खूंटा उखाड़ दिया करते थे कई दिनों तक। गांव के कुत्ते न जाने कहां भाग गए थे डर से कि 8 दिन बाद लौटे थे गौर कर करके। उस तरफ से कोई गुजरता नहीं था। शाम को परसबिघा कांड वाले मदन शर्मा के भतीजे मालिक जी ने 200 राउंड गोली दौलतपुर भिजवाया। आज भी अगर दौलतपुर जाएंगे तो 200-300 छेद है गोलियों के निशान इनके घर पर। अब जब रामजतन सिन्हा और जगदीश शर्मा दोनों खबर भिजवाते हैं कि जितना जल्दी हो सके पटना निकल जाओ, तो इन लोगों ने लेटर लिखा कि निकले कैसे, यहां सीआरपीएफ हम लोगों को भी रपेट दे रहा है। जगदीश शर्मा और रामजतन सिन्हा, विधायक और मंत्री दोनों खुद चले आए दौलतपुर और अपनी जिप्सी में इन दोनों भाइयों को वहां से निकाल कर ले गए। गोली चलाता जनवर कुत्ता का बार देता था, गांव के जितना कुत्ता सब जो खाने कहां चला गया था, 8 दिन के बाद आया भाई। 8 दिन तक कुत्ता भाग गया, खाने कहां चला गया, 8 दिन के बाद आया गवा कर करके। सबना के डेली जानवर कुत्ता का बार से इतना फायर हुआ था, अभी भी चले को कभी मेरे साथ गांव में खाएंगे, कम से कम 200-300 छेदा है गांव में गोली का भी निशान अभी पता। तो अभी तक आप लोगों ने सुना है कैसे एसपी साहब के बोलने के बाद भी बिंदु सिंह सरेंडर करने से मना कर देते हैं। अंत में थक हार के कौशल सिंह को इलाज कराने के लिए एसपी अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन 104 सीआरपीएफ की फोर्स भर दी जाती है पूरे गांव में। अब सीआरपीएफ गांव वालों को भी निकलने नहीं दे रही थी, क्योंकि बिंदु और फेकन तो लैट्रिन भी अगर जाते तो हथियार लेकर जाना था, और हाथ में हथियार देखते ही सीआरपीएफ गोलियां दागना शुरू कर दे। अब इनके लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई। इस घटना के चश्मदीद बताते हैं कि उस दिन मित्र मंडली में ही किसी एक की बहन की शादी थी, जहां ये सारे मित्र जिनकी उस दिन हत्या हो गई एक साथ बैठे हुए थे।
गोलियों की आवाज़ जब चलनी शुरू होती है तो ये सब समझ जाते हैं, या कहें कि इनको समझने में देर नहीं लगती कि दौलतपुर में नक्सलियों ने हमला कर दिया। ये सब तैयार हो रहे होते हैं, तभी उस गांव के जो मजदूर थे, जो मजूरे थे, उन लोगों ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की ये कहते हुए कि मालिक आप लोग मत जाइए, वहाँ बहुत की संख्या में नक्सली आए हुए हैं, आज वो दोनों भाई नहीं बचेंगे, आप लोग वहाँ जाकर अपने भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मजदूर नहीं चाहते थे, या कहें वो जानते थे कि आज क्या होने वाला है, इसलिए वो लोग अपने मालिक को रोक रहे थे, लेकिन मित्रता कहाँ ये सब सोचती है। जब मित्र संकट में होता है तो लोगों की बात समझ में नहीं आती। यही कुछ हुआ उस दिन इन लोगों के साथ। उनमें से एक विनय सिंह का उस दिन पेट खराब था। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब बाकी के लोग तैयार होकर अपना अपना राइफल और बंदूक लेकर वहाँ दौलतपुर की तरफ कूच कर रहे थे, तो विनय सिंह पेट खराब का बहाना बनाकर सोचे कि हम रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने ये कहते हुए उन्हें भेज दिया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हमको लाओ राइफल, हम जा रहे हैं दौलतपुर। और उस कंडीशन में भी फिर विनय सिंह अपना राइफल लेकर और दौलतपुर की तरफ दबा खाकर बढ़ गए। उनको क्या पता था कि आज क्या होने वाला। कहते हैं कि जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं दौलतपुर में, क्योंकि इन पांचों को ये पता नहीं था कि नक्सलियों ने कहां कहां ठिकाना ले रखा है, और इनके एंटर करते ही जैसे ही नक्सलियों की नज़र इन पांचों के ऊपर पड़ती है, एक झोंक में एक फायर होता है और लगभग पांचों वहीं ढेर हो जाते हैं। कौशल सिंह के छाती में गोली लगती है और विनय सिंह के पैर में। विनय सिंह पैन के पास गिरे हुए रहते हैं। जब उनमें से कोई एक नक्सली इनका हथियार चुनते हुए विनय सिंह के पास पहुंचता है, तो क्योंकि विनय सिंह मरे नहीं थे, पैर में गोली लगी थी, विनय सिंह को लगता है कि अब ये मेरे करीब आ गया, तो विनय सिंह ने अपने राइफल की सारी गोलियां उस नक्सली पर दाग दी। उनके राइफल से गोली चलनी थी और इसकी आवाज़ जैसे ही नक्सलियों तक पहुंची, एक बार में सारे 50-60 की संख्या में नक्सलियों का जो राइफल का नोजल था वो सब विनय सिंह की तरफ घुमा, और फिर जैसे लावा भूंजते हैं उस तरीके से विनय सिंह को छलनी कर दिया गया। लोगों का कहना है कि जब विनय सिंह की लाश उठाने लोग गए थे तो लाश ऐसे गल गई थी, इतनी गोली थी उसके अंदर कि जहां हाथ लगाया जाता था वहीं पर उंगली अंदर चला जाता था। जितना शरीर में रुआ होता है उतनी गोलियां नक्सलियों ने उन्हें मारी थी। लाश हर तरफ से गल गया था। दौलतपुर का वो मंजर आज तक पूरा गांव नहीं भूला है। मित्रता की वो मिसाल आज तक जहानाबाद नहीं भूला है। उन पांच दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ अपने दो दोस्तों को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त खतरे में है और अकेले लड़ रहा है, और इसलिए हम लोगों को वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचना चाहिए। और ये पांचों बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो इनके लिए घातक साबित हो जाता है, जो इनकी मौत पर आकर रुकता है। सभी में सिर्फ एक कौशल भाई ही बचते हैं, क्योंकि उनको गोली उनके सीने को फाड़ कर निकल जाती। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब यहाँ से शुरू होगी बिंदु के बाहुबली बनने की कहानी, या कहें कि बिंदु के कुख्यात बनने की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।